रवि तुम क्या कर रहे हो? नहीं प्लीज नहीं रवि, नहीं रवि, क्या कर रहे हो ये? मरती हुई हालत में उठा के सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हें मेरी बात पे जरा भी विश्वास नहीं है? क्यों करूं मैं तुम्हारी बात पे विश्वास? क्या है ये, कैसे शोर मचा रहे तुम लोग? वो द्रव्य का कहना है, जो क्लिनिक में मैंने वो इंजेक्शन दिया था उस इंसान को, वो जीतू ने बदलवाया है। देखो सच सच बता दो, पुलिस यहाँ पहुंचती होगी, वरना वो अपने तरीके से सच निकलवाएगी जो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अगर मुझे सच बता दोगी तो मैं उन्हें रोक लूंगा। बोलो। वो जीतू ने दिलाए थे इंजेक्शन। जीतू? आर यू श्योर? यस। यहाँ पे तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ वो नर्स झूठ बोल सकती है। और ये फोटो भी, जीतू ये क्या है? पानी आई कैन एक्सप्लेन। हाँ हाँ ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकती है, इसका फोन चेक करो तब पता चलेगा कितना कांटेक्ट में है ये भैया के साथ। मुझे कोई फोन चेक करने की जरूरत नहीं है। जीतू तू मुझे सच सच बता, तू अभी भी भैया से बात करती है? तू अभी भी भैया के कांटेक्ट में है? यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उस नर्स ने आखिर मेरा नाम लिया क्यों जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है? अब ये तो वही बता सकती है कि उस नर्स ने तुम्हारा नाम लिया क्यों है। यार मेरी फैमिली में एक भैया ही तो बचे हैं ना, मैंने बहुत कोशिश की उनसे दूर रहने की, पर एक बहन का दिल है ना, उनसे बात किए बिना रहा भी नहीं जाता है। जीतू अभी बात ये है कि उस नर्स ने तुम्हारा नाम लिया है और वो इतनी आसानी से तुम्हारे फेवर में तो बोलेगी नहीं। यार मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। एक मिनट, हम उससे कुछ बुलवा तो नहीं सकते, लेकिन उसके फोन में कुछ ना कुछ क्लू तो होगा जिससे हम तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकें। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर वो हमें अपना फोन क्यों देगी? अरे यार वो हमें अपना फोन नहीं देगी, लेकिन हमें उसका फोन लेना पड़ेगा ना। राइट। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर, नर्स, नर्स देखिए ना क्या हुआ है। क्या हुआ क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, कल रात से तबीयत ठीक नहीं है। एक मैं मशीन ले आती हूँ। मैं ठीक हो गया। मैं एक बार चेक करवा लूँ। नहीं नहीं मैं मशीन देके ठीक हो गया। इट्स ओके, थैंक यू। तो पासवर्ड है। एक काम करो ये वाला ट्राई करो। 000 हो सकता है। मुझे पता ही था, सपना एक कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। वो सब तो छोड़ो, अब ये बताओ करना क्या है? आगे क्या? अब सपना जाएगी घर से बाहर और बानी को मैं सारा सच दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। पागल हो गया, थैंक यू क्यों बोल रहे हो? एक काम करो तुम घर पहुंचो, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय, ध्यान रखना।
मम्मी आप कहाँ हो? मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अब मेरे पास वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। मुझे और नहीं सहा जा रहा। जी तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं कितनी पागल हूं। मैंने इसे सोच भी कैसे लिया कि जीतू मेरे साथ ऐसे कर सकती है? जीतू मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। ये पक्का जीतू ही होगी। मैं उसको सब सॉरी बोल दूंगी और सब ठीक कर लूंगी। अरे छोड़ो, छाप डाटा रहे ये लोग को। ये देख, देख रही है ना तेरी बीमार बहन को? ये ना तेरी बीमार बहन। ये फोन देख, पता है किसका फोन है? ये तेरी नर्स का। और ये मैसेजेस, ये किए हैं इस सपना ने। इसने उस नर्स की मजबूरियों का फायदा उठाया, उसे पैसे दिए और पता है इंजेक्शन बदलवा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सपना तो जैसे बदतमीज और घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जीतू सही कहती थी, उस घर में रहने के लायक ही नहीं है। इसे तो मैं निकालूंगी, वो भी घर से बाहर। तुझे तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। अरे बंद करो ये ड्रामा। द्रव्य, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है। मुझे सब पता है और जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब? बानी चलो मेरे साथ, इस बार मैं कुछ बताना नहीं सीधा दिखाना चाहता हूँ। रुको मैं भी चलती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं आती हूँ थोड़ी देर। द्रव्य पर हम जहाँ जा रहे हैं? द्रव्य, द्रव्य भैया, भैया सामने, द्रव्य क्या कर रहे हो? द्रव्य द्रव्य तुम क्या कर रहे हो? नहीं प्लीज नहीं, द्रव्य नहीं, द्रव्य क्या कर रहे हो ये? द्रव्य, द्रव्य, चल, द्रव्य।
तो कैसा लगा बानी का सेकेंड एपिसोड? वी होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हम जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड्स भी लेकर के आएंगे, आप हमारे साथ बने रहो। और हाँ, इस सीरीज में आगे बहुत धमाकेदार चीज होने वाली है, तो आप वीडियो को ढेर सारे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। बस अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।